प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि गुरुवार का दिन ग्वालियर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। उन्होंने कहा इसी दिन देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी चुप्पल ITM से लेकर वीरपुर बांध तक की 15 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड का भूमि पूजन करेंगे। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर सहित कई वरिष्ठ नेता और अफसर मौजूद रहेंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने आदिवासी बच्चों का सहारा लेकर उन्हें नंगे पैर विधानसभा ले जाकर प्रदर्शन किया तो उनकी दिमागी हालत के बारे में बखूबी बताता है। कांग्रेस ने आदिवासी बच्चों के साथ विधानसभा पर प्रदर्शन किया था। कांग्रेस का आरोप था कि अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्योपुर के कूनो पालपुर अभयारण्य में आ रहे हैं, लेकिन वहां के सहरिया आदिवासी समाज के लोगों की स्थिति दयनीय है। उनके पास बुनियादी सुविधा तक नहीं है, बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री कूनो अभयारण्य में अपना जन्मदिन मनाने आ रहे हैं। वो भी 7 करोड़ की लागत से PWD द्वारा वो रोड बनाई जा रही है। जैसे ही बरसात खत्म हो जाएगी रोड का काम चालू होगा। ग्वालियर शहर में जो प्लान आए हैं वो लगभग प्लान पूरे हो रहे हैं। आप ये देखिए 1000 बिस्तर के अस्पताल का काम तेज गति से चल रहा है। जरा आप गौर से देखिएगा कि ग्वालियर शहर में जो परियोजनाएं आ रही हैं उनका क्रियान्वयन हो रहा है। अब किसी काम को बनने में थोड़ा समय तो लगता ही है।